अस्सलाम वालेकुम, हम मार्लर रोड पर मौजूद हैं। ये राइट साइड वाला रास्ता मोनाल रेस्टोरेंट की तरफ जाता है और ये लेफ़्ट वाला तलहार और दूसरे गांव की तरफ जाता है। हमने जाना है लेफ़्ट की तरफ। जब भी आप मार्ला हिल की तरफ सफ़र करें तो मोहतात ड्राइविंग करें। उतराई के वक्त स्लिप होने और ब्रेक फेल होने के चांसेस होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि उतराई से उतरते हुए एक बाइक रोड से नीचे खड्डे में गिर गया है। इस बाइक पर तीन लोग सवार थे, दो लेडीज़ और एक लड़का चलाने वाला। तीन सवार और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से लड़का बाइक कंट्रोल नहीं कर सका और खाई में गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सवार महफूज हैं, किसी को भी ज़रा सी चोट नहीं लगी। आप जब भी इस तरफ सफ़र करें तो अपनी सवारी की ब्रेकें अच्छी तरह चेक करें और मोहतात ड्राइविंग करें। अब हम चलते हैं मार्ला पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ। रास्ते में आपको खूबसूरत प्यारे से गांव देखने को मिलेंगे। हर तरफ सरसब्ज दरख्त और पहाड़ मौजूद हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा पुरसकून है। आप गांव और रास्ते की खूबसूरती इंजॉय करें। ये बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है, यहाँ से बाइक पर दो बंदे सवार होकर नहीं जा सकते। हम मार्ला की सबसे ऊंची पहाड़ी के करीब पहुंच गए हैं। सामने ये गेट लगा हुआ है, इसके आगे रोड ख़त्म हो जाता है। इस गेट से आगे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस छोटे से कमरे के बाहर कुत्ते को देख कर मेरी तो कांप ही टांग गई। जब मुझे अपने आसपास कोई पत्थर नजर नहीं आया, मुझे हौसला तब मिला जब कुत्ता मेरी तरफ आने लगा और वो आ ना सका क्योंकि जंजीर से बंधा हुआ था। आगे और भी ऊंची जगह है, ये आप देख सकते हैं। नीचे एक प्यारा सा गांव भी है। ये जो पानी नजर आ रहा है ये खानपुर डैम है। ये बहुत खूबसूरत डैम है, इसकी भी सैर कराएंगे आपको इंशाल्लाह। ये पहाड़ी चोटी इस्लामाबाद से 17 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस्लामाबाद के करीब ये खूबसूरत तरीन हाइकिंग है। पहाड़ों के ऊपर ये सरसब्ज दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है लेकिन चारों तरफ दिल मोह लेने वाले नज़ारे हैं।
हम इस पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गए हैं, जहां बकरियां भी अपने रिस्क की तलाश में पहुंची हुई हैं। जगह पुरसुकून है और यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। चोटी पर किसी कंपनी का टावर भी लगा हुआ है, जो यहाँ भी फोन के सिग्नल मुहैया कर रहा है।